मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये 15 रूपये से इतनी बेहताशा बढ़ोतरी की थी एक्साइज ड्यूटी में, अब आप 5 रूपये कम करके उसका काम नहीं चलेगा, कम से कम 15 रूपये और कम किया जाए, 15-15 रूपये और कम करें, इतनी एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ाई थी उसको नीचे ले आए। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम कम हुए थे उसका फायदा सीधे आम जनता को मिल सकता है। राज्य सरकारें भी कितना कम करेंगी, कोई 2 रूपये करेंगी, कोई 4 रूपये कम करेंगी, लेकिन अभी इसको 15 रूपये कम करने का है, क्योंकि हाल के वर्षों में पेट्रोल के दाम में जितनी गिरावट आई सेंट्रल गवर्नमेंट ने उतना ही बढ़ाती चली गई, वो दाम वापस किए जा सकते हैं। एम्स के पास ग्रीन पार्क में एक बहुत सो कॉल्ड मॉडर्न मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निगम से, पिछले साल नवंबर में उसका उद्घाटन हुआ, बड़े जोर शोर से उसका उद्घाटन किया गया और एक साल के अंदर अंदर वो पार्किंग टूट गई। ये बहुत सीरियस मामला है, दिल्ली सरकार ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। आज ही मैंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेके डायरेक्टर लोकल बॉडीज जो दिल्ली सरकार में होते हैं, डायरेक्टर लोकल बॉडीज को ऑर्डर किया है कि इसकी 15 दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरिंग चीफ से जांच कराएं कि इस पार्किंग के बनाने में क्या खामी थी, कौन लोग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है।